हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों को बताने चल रही हूँ कि कलम कैसे लगाया जाता है। यह हमारे पास हाइब्रिड गुड़हल है, बहुत बड़ा फूल होता है, उसकी बड़ी बढ़िया बहुत बड़ी ये कलियाँ होती हैं। इसी के बारे में आज बताने चल रहे हैं। बहुत बड़ी इसकी कलियां होती हैं और इसी को बताने चल रहे हैं कि कैसे कलम लगाया जाता है। ये हमारा फूल, एक ही फूल में चार कलर होता है और इसकी इतनी बड़ी तो कलियां होती हैं, खिलने के समय आ जाता है तो और बड़ी हो जाती हैं। और इसका फूल तो बहुत बड़ा होता है, यह हाइब्रिड गुड़हल है। इसको को आज कलम लगाने चल रहे हैं, बताना चाहते हैं आप लोगों को कि कलम कैसे लगाया जाता है। ये इसका फूल है, हाइब्रिड बहुत बड़ा इसका फूल होता है। अब तो ये शाम की 4 बज रहा है, मैं कलम लगाने चल रही हूँ। सुबह तो ये बिल्कुल चांद की तरह खिलता है, बहुत प्यारा लगता है दूर से। आगे के तरफ लाल होता है, रानी कलर होता है और पीछे की तरफ ये पिंक कलर होता है और हल्का गुलाबी होता है। बहुत प्यारा लगता है, बहुत बड़ा ये गुड़हल इसका फूल होता है। हमारे यहाँ नर्सरी है, अगर आप लोगों को ज़रूरत हो तो हमारे यहाँ लगा हुआ है, इसको आप ले जा सकते हैं। अभी तो ये बरसात का सीज़न है, इतना ध्यान रखना चाहिए कि इसकी अगर आप कलम लगा रहे हैं तो इसको डायरेक्ट बाहर नहीं रखना चाहिए। कलम लगाने के बाद इसको छाए में रखना चाहिए, क्योंकि बारिश होता है और ये सड़ जाते हैं, इसमें पानी ज़्यादा लग जाता है, सड़ जाते हैं। कलम लगाने के लिए हमने ये गिलास तैयार कर लिया है, इसमें मिट्टी भर दिया है, पानी डाल दिया है, मिट्टी बर्मी कंपोस्ट बराबर मात्रा मिला करके इसमें पानी डाल करके ये होल बना लिए हैं। इसको अभी तो मेरे पास दवा ख़त्म है, ऐसे ट्राई करने चल रही हूँ कि लगता है कि नहीं। नहीं, एक दवा आती है जिसको जो है लगा करके कलम लगाया जाता है, उससे ये होता है कि जड़ जल्दी फोड़ देता है। ऐसे में है तो जैसे 100 कलम आप लगाएं तो मुश्किल से 10-20 चलता है, ज़्यादा नहीं चलता है। अब इसको हमने कटिंग किया है, ये गांठ है हमारी और गांठ के नीचे से ये कटिंग किया है। अब इसको मिट्टी में हम इसी तरह इसको गाड़ देंगे सीधे और गाड़ करके चारों तरफ से अच्छी तरह से मिट्टी को दबा देंगे, क्योंकि आजकल बारिश हो रहा है और इतना हवा चलता है, हमारा कलम हिलने ना पाए। ये कलम हमने लगा दिया है, अब लगा करके इसको छाए में रखेंगे, डायरेक्ट धूप में नहीं रखेंगे, बाहर खुले में नहीं रखेंगे, क्योंकि इतना बारिश हो रहा है इस समय, पानी भर जाता है और कलम सब सड़ जाती, अच्छी तरह से ग्रो नहीं करती है, इसीलिए इसको छाए में रखना ज़रूरी है। ये मेरे यहाँ चद्दर छाया हुआ है, मैं उसी के नीचे लगा के इसको रख रही हूँ, क्योंकि पहले मैंने लगाया था, बाहर रखा था, बारिश की वजह से पूरा कलम हमारा बेकार हो गया, ग्रो नहीं हो पाया, सड़ गया। इसलिए आप लोगों को साथियों बता रही हूँ कि इतनी समय बारिश का सीज़न है, आप जब भी कलम कोई चीज़ का भी कलम लगाएं तो उसको डायरेक्ट बाहर मत रखिए, उसको छाए में रखिए, क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा बारिश होगा तो ये अभी मुलायम कल्ला है,
इसमें सड़ जाता है, सड़न लग जाते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि इसको जब भी लगाओ इसको जो है कहीं छाए में रखो, बाहर ना रखो। इसी तरह हर एक कलम लगता है, यही है कि बिगड़ दवा का जल्दी कलम नहीं चलता है। आप लोगों जो है अगर लगाना है, ये मार्केट में मिलता हुआ बीज भंडार पे इसकी दवाइयाँ आती हैं, आप लोग जो है दवा लगा करके इसको कलम लगा सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए, हमारा ये गुड़हल आपको पसंद आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर अगले ही दिन ऐसे कोई नई वीडियो लेके आएंगे, नया कलम लगाएंगे, आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि आप लोग इसको चाहें तो घर में भी लगा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं साथियों, ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए कि कलम अपने घर में लगाएं, क्योंकि आजकल तो सभी जान गए हैं, इंटरनेट पे देख लेते हैं कि हाँ कलम कैसे लगता है। अपने घर से लगाया हुआ और अच्छा होता है, सारी जानकारी मिलती है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।